गुड इवनिंग एवरीवन, मैं श्रद्धा बात करूंगी आज के मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में और साथ ही मैं कल के लिए स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगी कैश डिलीवरी के लिए। सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी आज मार्केट पर कैसे रहे। सेंसेक्स 255 पॉइंट्स ऊपर यानी 53,159 के रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ और निफ्टी 50 इंडेक्स 70 पॉइंट्स ऊपर यानी 15,924 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। तो चलिए देखते हैं कल के लिए स्टॉक आइडियाज कैश डिलीवरी में। आप कोटक बैंक बाय कर सकते हो एट 1758, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1735 पर, टारगेट रख सकते हो 1780 पर। कॉल्स जो आपको रिकमेंड किए थे IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, ये स्टॉक 1308 पर हिट हो गया है। आई होप आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। बॉम्बे डाइंग भी बताया था, इस स्टॉक को बताए हुए टारगेट और स्टॉप लॉस पर होल्ड कीजिए। बात करते हैं आज के टॉप 5 हाइलाइट्स मार्केट परफॉर्मेंस को लेके। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो और PSU बैंक इंडाइसेस नीचे की तरफ बंद हुए। इंडिविजुअल शेयर्स की अगर बात करें तो जून क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट करने के बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 16% पर हिट होकर रिकॉर्ड हाई पर चला गया। फर्स्ट क्वार्टर में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 84% ऊपर चला गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17% से ऊपर था। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो L&T निफ्टी पर टॉप गेनर्स पर था, जहां ये स्टॉक 4% से ऊपर गया और 1601 पर क्लोज हुआ। साथ ही में HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, हिंडालको, UPL, HDFC बैंक और ITC 1-4% के बीच बढ़त के साथ टॉप गेनर्स में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर ONGC, आयशा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, ग्रासम इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, टाइटन, इंडियन ऑयल और NTPC टॉप लूजर्स में शामिल थे। क्लोजिंग आउटलुक में आज फिलहाल इतना ही। स्टॉक रिलेटेड कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मॉर्निंग अपडेट, साथ ही मैं कुछ स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ यानी श्रद्धा के साथ। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे, लेकिन 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।